इंडियन हर्बल हेरिटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। प्रतिदिन जुवेना हर्बल्स में ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी क्वेरीज आती हैं उनमें से 2-3 क्वेरीज तो अवश्य लैनिगो हेयर पर होती हैं। सारे क्वेरीज के जवाब हम तहे दिल से देते हैं, पूरी गाइडलाइंस देते हैं और लोगों को वो जानकारी अपने लिए जो मिलती है वो बेहद कारगर महसूस होती है, जीवन भर उनके काम आती है और वो बहुत थैंकफुल होते हैं। और इसी के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि जितना टाइम हम उन्हें देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन में, उतना ही टाइम वो स्वयं के लिए निकालते हैं, सारे ऑडियो सुनते हैं और वीडियो सुनते हैं। तो लगा कि लैनिगो हेयर पर एक भी वीडियो नहीं है और आज का वीडियो लैनिगो हेयर पर डेडिकेटेड है। ऐसे तो उद्वर्तनम वीडियो, उपटन पर वीडियो बहुत तेरे हैं जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन लैनिगो हेयर पर नहीं थे। शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सारे व्यूअर्स का जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, व्यूज़ बढ़ा कर जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल को बहुत आगे पुश किया है। और इस वजह से जो जानकारी आपको मैं देती हूँ, आपसे मैं शेयर करती हूँ, वो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो रही है। सो थैंक यू सो मच। लैनिगो हेयर ये ऐसे हेयर हैं जो बहुत काम आते हैं मदर के वूम में बेबी के लिए। 16th to 20th week से ये डेवलप होने शुरू होते हैं बेबी की स्किन पर और ये बेबी को वार्म रखते हैं और साथ साथ एक वर्निक्स नाम का वैक्सी सब्सटेंस है जो बेबी की स्किन पर चिपकता है, लेकिन लैनिगो हेयर की मदद से ही चिपक पाता है। तो इसका काम है बेबी की बॉडी और स्किन दोनों को वार्म रखना और जो एमनियोटिक फ्लूइड है यूटरस में मदर के वोम में उससे बेबी को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखना, उसकी स्किन को डैमेज ना होने देना। इसके अलावा जब बेबी वोम में मूव करता है बड़ी सुखद सी अनुभूति देता है तो उस समय ये लैनिगो हेयर सेंसरी रिसेप्टर्स को वाइब्रेशंस भेजते हैं तो इसकी वजह से बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो जब बच्चा पूरी तरह से अपने फुल टाइम से बाहर आता है तो लैनिगो हेयर जो है वो शेड हो जाते हैं वूम में ही। अगर वो प्रीमेच्योरली बॉर्न होता है तो लैनिगो हेयर बने रहते हैं और कुछ केसेस में फुल टाइम होने के बावजूद लैनिगो हेयर बने रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि मुझे तो बताया गया है कि 3 महीने में ही अपने आप शेड हो जाएंगे और अगर नहीं शेड हुए तो? कई सारी मदर्स हैं जिनको ये अनुभव है अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं कि लैनिगो हेयर जो है वो वेलस हेयर में और टर्मिनल हेयर में चेंज हो गए। वेलस हेयर मतलब आपके जो अब जब आप अडल्टहुड को अटेन आपने किया तो चेहरे पर जो रोएं हैं वो वेलस हेयर है और चेहरे पर कुछ रोएं हैं जो बहुत थिक हैं जैसे आपके स्कैल्प पर बाल, उनको टर्मिनल हेयर कहते हैं। तो धीरे धीरे कुछ हेयर कहीं कहीं थिक भी देखने के लिए मिलने लग जाते हैं। तो इसीलिए समय के रहते 3 महीने 3rd month से ही आप शुरू कर सकते हैं या 2nd month से आप शुरू कर सकते हैं पूरी तरह से ब्यूटी ऑयल अप्लाई करके लोई करना। और लोई कैसे करना? ब्राइडल उपटन की लोई बनाना जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं और बहुत ही डेलिकेटली पंखुड़ी की तरह ट्रीट करते हुए बेबी की स्किन के ऊपर वो लोई घुमाना। तो ब्यूटी ऑयल 7 essential oils का ब्लेंड है वो अप्लाई किया और बस वॉर्म्थ क्रिएट करने लायक आपने मसाज की बेबी की। आपको कभी भी मसाज रगड़ रगड़ कर नहीं करनी है, बस जैसे आप छू रहे हैं बेबी को आपको वैसे मसाज करनी है क्योंकि अभी तो स्किन सेल्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत नाजुक स्किन है। तो अगर रगड़ देंगे उसे तो बहुत नुकसान बेबी को पहुंचेगा। और जब बेबी रोता है मसाज के समय तो आप कहते हैं रोएगा ही नहीं, उसे रुलाएं नहीं मसाज के समय, वो मसाज उसे बिल्कुल फायदा नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मजबूत मांसपेशियां हो तो बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करें और बस वार्म्थ क्रिएट कर दें। इसके बाद आप ब्राइडल उपटन इसका वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, उससे लोई बनाएं, उसमें आप थोड़ा सा पानी या दूध डाल सकते हैं और आटे जैसी लोई बना लें और बेबी के पूरे चेहरे पर बहुत ही हल्के हाथ से उस समय आप उसे लोरी सुनाते हुए उसके चेहरे पर वो लोई घुमाएं, जहां पर ज्यादा है वहां पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं और फिर पूरी बॉडी में आप वो लोई घुमाएं। इसके बाद आप उसे नहलाएं नहीं, थोड़ी देर के बाद आप उसे नहलाएं और नहाने के बाद आप उसे बॉडी लोशन लगा सकते हैं या जो मॉइस्चराइजर का चयन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन समय के रहते ही ये लैनिगो शेड हो जाए
ये हर मदर की जिम्मेदारी है। अन्यथा कॉन्फिडेंस लो होता है आपके बच्चे का जब वो बड़ा होता है और वो देखता है कि ये रोएं हर जगह हैं और उसे परेशानी होती है, उसका उपहास होता है, तो उसे ये बात पसंद नहीं आती। और रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं और जीवन भर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई गम आपको नहीं होना चाहिए कि आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। दुख तो आपको ये होना चाहिए कि वो बच्चा लैनिगो हेयर लेते हुए बड़ा हुआ और वो वेलेस हेयर में आपकी गलती की वजह से टर्न हो गया और उसका कॉन्फिडेंस उससे लो हो रहा है। बहुत सुंदर बेबी आपका हो जाएगा। 5-6 महीने अगर आपने लुई कर ली तो आप देखेंगे रोए तो नहीं है लेकिन स्किन हेल्थ भी एट इट्स बेस्ट हो जाएगी। ये अनुभव एज दादी मेरा है तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन अभी जाना नहीं है क्योंकि मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे आपको लैनिगो हेयर रिमूव करने के लिए लोई बनानी है, तो बने रहिए। जब बच्चा मदर के वूम में होता है तो 8th और 9th मंथ में लैनिगो या लैनिगो जो हेयर होते हैं स्किन के ऊपर बेबी के वो शेड हो जाते हैं। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे लैनिगो लेकर आते हैं तो 3rd और 4th मंथ तक वो अपने आप शेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये इंतज़ार करते रहे कि वो अपने आप शेड हो जाएंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है 6th 7th मंथ, 1 साल का हो गया, 2 साल का, 3 साल का बेबी हो गया, बैक पर, आर्म्स पर, चेहरे पर, माथे पर, कान के ऊपर कुछ ना कुछ अंश तो इन लैनिगो का देखने के लिए मिलता है और वो मजबूत बाल बनके दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप 3rd मंथ से ही ब्यूटी ऑयल बॉडी पे लगाएं और ब्राइडल उपटन, अब इसका नाम ब्राइडल उपटन पड़ चुका है वरना ये बेबीज के लिए ही बना था और ये सभी को फायदा करता है। तो ब्राइडल उपटन जिसमें हल्दी के सारे सर थे, पानी और 1/2 चम्मच ब्यूटी ऑयल डाला और बॉडी पर भी ब्यूटी ऑयल लगा लीजिए और फिर उसके बाद इसकी लोई बना लीजिए और फिर वो लोई पूरे बॉडी पर घुमाइए, जहाँ पर लैनिगो है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए घुमाइए। याद रहे कि हार्श हैंड्स ना हो, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। पंखुड़ी की तरह बेबीज की त्वचा होती है तो उसी तरीके से ट्रीट करनी है। जब हम कहते हैं बड़ों की त्वचा को भी पंखुड़ी की तरह ट्रीट करना है तो बच्चों के बेबीज के त्वचा को तो पंखुड़ी की तरह ट्रीट करना ही है। अब हम लोई बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको हूबहू उसी प्रकार से करना है। तो लोई तैयार हो गई है, 3 लोई तैयार की हमने साइज दिखाने के लिए। ये बैक और स्टमक के लिए है, दूसरी है आर्म्स, साइज दिखाने के लिए हमने 3 लोई तैयार की है, आर्म्स, लेग्स और तीसरी है फेस, गर्दन, गर्दन के पिछला हिस्सा। अब 3 से 4 महीने आप ब्राइडल लुप्टन से करिए और उसके बाद आप रॉयल ब्राइडल लुप्टन से कर सकते हैं।